का डाबरा छू मंत्र छू, कुछ भी कर दे, कैसा भी कर दे, जादू कर दे, किस्मत का ताला खोल दे। हर 12 साल में एक बार यहाँ लेफ्ट राइट करते हुए मेरा जादूगर दोस्त यहाँ घूमने आता है। इस बार जवान भोले ने उनकी बहुत सेवा की है। जवान भोले को सैल्यूट। ये तो मेरा फर्ज है गुरु, इसमें सैल्यूट कैसी? भोले बांगड़ू, सही कहा रे, जो करेगा लोगों की सेवा उसे ही मिलेगा जीवन में मेवा। मगर गुरु, मुझे मेवा नहीं समोसे खाने थे। अरे मेरे भोले, मेवा का मतलब आशीर्वाद। अच्छा, बहुत अच्छा। गुरु, पिछले 2 दिन से हम यहाँ हैं और हम भोले की सेवा से बहुत खुश हैं। हम उसे इनाम देना चाहते हैं। अरे वाह, मेरा जादूगर दोस्त भोले को इनाम देगा। दे। ये तो खाली है गुरु, इनाम कहाँ है? खाली झोला लेके मैं क्या करूँगा? प्यारे भोले, ये खाली नहीं किस्मत का झोला है। आंखें बंद करके अंदर हाथ डालो, तुम्हें अपनी किस्मत और अच्छे कर्मों के हिसाब से फल और इनाम मिलेगा। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह रे मेरे प्यारे भोले, सोने के शूज, अब तो तुम डांस करते करते दमकोगे, सारे सुल्तान नगर के सामने चमकोगे। भोले जवान, ये शूज पहनकर लेफ्ट जाओ या राइट, हर सड़क हो जाएगी ब्राइट। भोले शूज पहनेगा, शूज पहन। अरे मेरे प्यारे भोले, देखो तो इन शूज की चमक, मगर तुम्हारे चेहरे से क्यों उतर गई है रौनक? क्योंकि इनाम मुझे अकेले को मिला, आपको नहीं मिला। चिंता मत करो वत्स भोले, ये झोला हर किसी को उसकी किस्मत और अच्छे कामों के हिसाब से इनाम देगा, मगर याद रहे सिर्फ एक बार, अगर किसी ने वापस इसमें हाथ डाला तो महामुसीबत खड़ी हो सकती है। आप भी ट्राई करो गुरु। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, सोने का गिटार, क्या बात है, संगीत ही तो है अपना प्यार, उस पर से मिला ये सोने का गिटार। अरे मेजर साहब बांगड़ू, अब आपकी बारी। एक दो एक। मेजर को सिर्फ 2 ही चीजें पसंद है, एक तो रोज परेड करवाना और दूसरा मेडल लेना। अरे बांगड़ू, आपका झोला तो कमाल है, इसने हम सबकी किस्मत का ताला खोला, मगर हमारे सुरताल नगर वासियों के लिए कुछ भी नहीं मिला। गुरु, हमें अच्छा लगा, तुम हमेशा दूसरों के बारे में पहले सोचते हो। जाओ जाओ, जाकर सारे सुरताल नगर के वासियों को दे दो उनकी किस्मत का इनाम, मगर याद रहे। समझ गया जादूगर बांगड़ू, बस एक ही बार किस्मत आजमानी है, वरना बड़ी मुसीबत आनी है। लेकिन गुरु, मेरी किस्मत 2 बार चमकी, मुझे तो 2-2 इनाम मिले, देखो 2 जूते। सारे लेफ्ट राइट करते हुए यहाँ आ जाओ और मेरे जादूगर दोस्त कैलाश के झोले में किस्मत आजमाओ। झोले में हाथ डालो और इनाम पाओ। आओ सुल्तान नगर वासियों, ये देखो, मुझे मिले हैं सोने के जूते और गुरु को सोने का गिटार। ये क्या बेच रहा है? अरे वाह बांगड़ू, पापड़ बेन को पापड़ मिला छप्पड़ फाड़ के। आ!
आओ मैं भी अपनी किस्मत आजमाऊं। ओ हुजूर, आपकी किस्मत में सिर्फ कचरा है, आपको धूल मिट्टी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ओ हुजूर, हट जा नजरों से दूर या अभिशाप। चल हट किस्मत खोर। रोली, क्यों ना हम भी अपनी किस्मत आजमा ली। हाँ हसली, हम भी झोले में हाथ डाल ली और अपनी किस्मत खोल ली। ये क्या होली? गजब होली रोली, हमको नूडल्स बनाने की ऑटोमेटिक मशीन मिली। अब मैं भी अपनी किस्मत आजमाऊं। आओ। नहीं जवान एमजे, तुम्हारी किस्मत दूसरों के लिए मुसीबत ना बन जाए। ओहो मेजर साहब, अरे आजमाने दो एमजे को भी अपना लक, आखिर किस्मत आजमाने का तो हक सबको है। ओ हुजूर, आपकी किस्मत तो है फूटी कौड़ी जैसी। ओ हुजूर, हट जा नजरों से दूर या बिशाच। चल हट कौड़ी बाज कौड़ी। ओ हुजूर, देखा आपसे बड़ी है मेरी किस्मत। बिशुम बिशुम, अब होगी डिशुम डिशुम। मैं फिर से आजमाऊंगा अपनी किस्मत। आई एम ऑलवेज सेकेंड टाइम लक्की। अरे नहीं, अरे नहीं मायकालाल, जादूगर बांगड़ू ने कहा है एक आदमी बस एक ही बार इस झोले में हाथ डाल सकता है। अरे समझता क्यों नहीं? जादूगर की ऐसी की तैसी, अब ये झोला मुझे मुंह मांगा इनाम देगा। रोको उसे, वापस हाथ न डाल पाए। सारे लोग एमजे को रोकेंगे। रोको। अरे एमजे रुक जा रे, नहीं तो तबाही आएगी। काटा लगा ये बच्चा, ये मांगो। ओ हुजूर, इस बार तो आपकी किस्मत ने भी आपको हरा दिया, वो तो आपसे भी घटिया निकली। बोला था जादू करने के वापस झोले में हाथ मत डालो, मैं एमजे का कोर्ट मार्शल कर दूंगा। मेजर कोर्ट मार्शल बाद में कर ली, पहले हमें कोई बचा ली। गुरु कुछ उपाय निकाल ली, बचा ली। तक दिन तक दिन दितांग बाजे, गाए गुरु और होले नाचे। झोले में किस्मत किस्मत, झोले में किस्मत किस्मत, झोले में किस्मत किस्मत, झोले में किस्मत किस्मत। कैक्टस कैक्टस मारे कांटे, कांटे है या है ये चाटे। हे कैक्टस कैक्टस मारे कांटे, कांटे है या है ये चाटे। हो गई बाबा की भविष्यवाणी सच, झोले से निकले हैं कांटे इतने तो बच। हो गई है बाबा की ये भविष्यवाणी सच, झोले से हाँ निकले है जी कांटे इतने तो बच। गोल्डन शूज है मेरे, तू दिखा दे कराटे।
जवान ने कैक्टस से युद्ध करके मायका लाल की करतूतों से वापस सुरताल नगर वासियों को बचा लिया है। भोले जवान लेफ्ट से कमाल है और राइट से धमाल, क्योंकि मेरे गुरु के सुर है बेमिसाल। हो गई सुबह। अरे भोले बांगड़ू उठ जा रे तू। भोले तू ऐसे नहीं उठेगा रे, मुझे अभी गुदगुदा कर उठाता हूँ। भालू! अरे बांगड़ू, तू भोले से भालू कैसे बना रे? अरे गुरु, मैं भालू नहीं बंदर बन गया हूँ, देखो। देखो गुरु, मैं आईने में बंदर लग रहा हूँ। अरे बांगड़ू, वो आईना नहीं है रे, वो सच का बंदर है। नहीं गुरु, आईना ही है, अभी आपको बताता हूँ। देखा गुरु? गुरु आपने सही कहा था, ये तो सचमुच बंदर है। अगर जान बचानी है अपनी भोले, तो चल भाग चल दरवाजा खोले। भोले, ये सुल्तान नगर जंगल कैसे बन गया? ये बंदर मेरा पेट छोड़ ली। भीशम, भीशम। ये गेंडा क्यों कर रहा है हमारे डिशम? रुक जाओ सब के सब, स्टैचू। भोले, जाकर सब स्टैचूज को एक साथ खड़ा कर दे। ये लो गुरु, सब के सब स्टैचू ले आया हूँ मैं। अब मुझे बताओ कि यहाँ हो क्या रहा है रे? बांगड़ू हाथी क्या बोला, किसको समझ आया? मम्मा मिया, अलबत्ता के पास ऐसा सामान होती जो चुटकियों में कंफ्यूजन दूर करती। ये ट्रांसलेटर बोंगा होती जिससे हम एक दूसरे को समझती। अच्छा, तो अभी देखते हैं इसे। अरे बांगड़ूओ, तुम लोग कुछ बोलो। हमारे जंगल को काटने खूंखार शेर दिल और उसके भाई आ गए हैं। उस शेर दिल से तो ये जंगल का राजा भी डरता है। अगर हमारे जंगल नहीं बचे तो हम रहेंगे कहाँ और खाएंगे क्या? अरे बांगड़ूओ, चिंता मत करो, हम सब मिलकर तुम्हें और तुम्हारे जंगल को बचाएंगे। क्यों भाइयों? हाँ हाँ, चलो जंगल में। हाँ हाँ, चलो जंगल में। हाँ चलो जंगल में। रोली, तुम इन जानवरों की खातिरदारी कर ली, हम सब जंगल में जाकर विलेन की जंपी कर ली। रुक जाओ, खबरदार, किसी ने पेड़ काटा तो हम सब तुम्हारी चटनी बना देंगे। चटनी? समझे शेर दिल? मैं नहीं, शेर दिल वहाँ है। मैं हूँ शेर दिल, गैंडे जैसी चमड़ी, हाथी जैसा बल, चीते की स्पीड और जिगर शेरों वाला। अरे बांगड़ू, इसका शरीर तो खत्म ही नहीं हो रहा है। तुम्हारी वजह से मेरे पेड़ काटने वाले सारे हथियार टूट गए, अब मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ूंगा। वैसे हो कौन तुम लोग?
हम गुरु भोले हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं पूरी छोले हैं। अरे नहीं, गुरु भोले हैं। देखो डरना तुम्हें चाहिए, तुम चारों हम सबका सामना नहीं कर पाओगे, हम सब तुम पर भारी पड़ेंगे। तुम सब मुझे रोकोगे? नहीं नहीं बाबू। इन टूटी हुई मशीन्स को ठीक कर लो, हमें पूरा जंगल काटना है। ये बांगड़ू शेर दिल ने तो हमारा पूरा बदन सुजा दिया है, इसको हराना अकेले का काम नहीं है। लेकिन गुरु हम अकेले कहाँ हैं? हम तो बहुत सारे हैं। देखो। अरे बोले, पहली बार की तुमने अकलमंदी की बात, अब हम सब लड़कर भगा सकते हैं उस शेर दिल को। हम कैसे लड़ सकते हैं उससे? जब वो तुम इंसानों से नहीं हरा तो हमसे कैसे हारेगा? और ऊपर से हम सब जानवर अलग अलग हैं, किसी का कद बड़ा है तो किसी का कद छोटा है, किसी की शक्ति ज्यादा है तो किसी की बहुत ही कम है, हम में समानताएं कम और असमानताएं ज्यादा हैं। अरे बांगड़ू, इसे तो कहते हैं अनेकता में एकता। अनेकता में एकता से ताकतवर कोई भी चीज नहीं है। यानी गुरु कह रहे हैं कि भले ही आप लोग अलग अलग हो, लेकिन एकजुट होकर लड़ोगे तो जीत हमारी होगी। हाँ, एक उंगली को तो कोई भी हरा सकता है, लेकिन अगर यही उंगलियां मिलकर पंजा बन जाए तो इन्हें हराना नामुमकिन है। क्या समझे? तो ठीक है, हम सब लड़ेंगे शेर दिल से, लेकिन करना क्या होगा? हाँ हाँ, करना क्या होगा? मेरे पास प्लान है सॉलिड। सभी हथियार तैयार हो गए हैं? तो जल्दी से पेड़ काटना शुरू करो। कहा था ना बांगड़ू, एक भी पेड़ काटने नहीं दूंगा। अरे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? छीन लो हथियार उनसे और उन्हें पकड़ लो। अरे भाग रे। बच के कहां जाओगे? भाग बोले भाग। रुको, मैं कहता हूं रुक जाओ। अब तुम क्या करोगे गुरु भोले? हाँ, हवाई हमला। ऐ बांगड़ू, अब तुझे सबने घेर लिया है। अब तू कहीं भी भाग नहीं सकता है। शेर दिल ने आज तक जिस भी जंगल पर नजर डाली है उसे हमेशा तबाही किया है, और आज भी मैं यही करूंगा। ये आग तो हमें एसिडिटी की तरह जला देगी। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? अरे तक दिन धितांग बाजे, गाए गुरु और भोले नाचे। जंगल हाँ जंगल, जंगल हाँ जंगल, जलने ना देंगे जंगल। जंगल हाँ जंगल, जंगल हाँ जंगल, जलने ना देंगे जंगल, जलने ना देंगे जंगल। जंगल में रहते हैं जंतु अनेक, लेकिन हम रहते हैं ओ
होगे बिल्कुल एक। शेर दिल है बुजदिल, काटे ट्रीला ये मुश्किल। अब हो गया इसका टाइम है, अब हम करने नहीं देंगे दंगल। चलने न देंगे जंगल, चलने न देंगे जंगल, ओए चलने न देंगे जंगल। अब इस भांगड़ू को सीधा कानून के हवाले कर देंगे। आज के बाद कभी भी कोई जंगल की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। अक्सर इंसान अपने घर बनाने के लिए हमारे घर जंगल को तबाह कर देते हैं, लेकिन आप लोगों ने हमारा घर बचाया है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, खासकर गुरु भोले का। जंगली बुराई को हमेशा कर देते हैं ढेर, क्योंकि हमारी जोड़ी है सवा शेर। जवानों सुबह हो गई है, एक साथ उठेंगे, एक साथ उठ। गुरु, ये मेजर साहब मुझे सपने में उठाने आए हैं, क्या करूं? उनको बोलो आप 2 मिनट रुको, मैं 5 मिनट में आता हूँ। और आप? तू 5 मिनट में जा, मैं 15 मिनट में आता हूँ। जवानों, आंख के साथ कान भी खोलकर सुनो। ये मिस्टर गोल्डी है आर्कियोलॉजिस्ट, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जो महल है उसके बारे में रिसर्च करने आए हैं। हाँ तो रिसर्च करने दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्यों गुरु? हाँ बोले। टॉमी टैंक, हमारी AK-47 वाली बंदूक लाओ। नहीं नहीं, अरे बाप रे। जवानों, ये सुरताल नगर में पहली बार आए हैं, तो तुम दोनों इनके गाइड बनकर इन्हें जो चाहिए उसके लिए इनकी मदद करो। यस सर। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। गुरु, ये गोल्डी भाई क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं? हिस्ट्री में कौन कौन था, कहां का राजा था, कहां से आया था, ये सब जानकर क्या मिलेगा? इससे अच्छा 2 टाइम समोसे खाओ, लस्सी पियो और खुश रहो। अरे मेरे प्यारे भोले, हिस्ट्री तो अच्छी बात है ना रे, आज से 300-400 साल बाद भी लोग हमारी दोस्ती की तारीफ करेंगे, पर वो तभी कर पाएंगे जब हमारे बारे में जानेंगे, और जानने के लिए हिस्ट्री का होना जरूरी है ना रे। अरे वाह गुरु, मतलब हमारी भी हिस्ट्री होगी। अरे मेरे भोले बांगड़ू। सर सर, क्या हुआ? ये देखिए। गुरु, ये तो वही किसी राजा का ताज है। अच्छा गुरु, ये देखो ताज अभी मिला और उसकी तस्वीर भी छप गई। अरे बांगड़ू, तू कितना भोला है रे, ये हिस्ट्री की किताब है जिसमें इस क्राउन के बारे में जवाब लिखा है रे। ओह अमेजिंग अमेजिंग, ओह ये सन 540 में हुए राजा कलोश्की का क्राउन है, इसे रेनबो क्राउन कहते हैं। ये देखो, इस डायमंड में से रेनबो कलर की किरणें निकलती हैं। कलोश्की राजा बहुत ही दुष्ट राजा था,
इस क्राउन की मदद से उसने कई राज्य जीते हैं। गोल्डी भाई, एक बात समझ में नहीं आई। राजा तो अपनी तलवार से राज्य जीतता है, ये क्राउन की मदद से कैसे इस राजा ने राज्य जीते थे? अरे ये कोई ऐसा वैसा क्राउन नहीं है, ये जादुई क्राउन है। एक जादूगर ने कलोश्की को ये क्राउन गिफ्ट में दिया था। गुरु एक काम करो, ये क्राउन तुम्हारे यहाँ सेफ जगह पर रख दो। मैं जब अपना काम खत्म कर दूंगा तब लेकर जाऊंगा, क्योंकि ये सरकारी अमानत है, इसे म्यूजियम में रखना पड़ेगा। ठीक है। मैं ये मुकुट पहन कर देख ली, मुझ पे कैसा लगली रोली? बहुत अच्छा हसली। अरे बांगड़ू हसली, तुम्हारे सर पर नहीं फिट बैठेगा ये मुकुट, लेने के देने पड़ जाएंगे खाली फुकाट। चिप चिप चिप। ये ताज मेरे सिर पर लगा लूं और मुकुट की शोभा बढ़ा लूं। ओ हुजूर, रहने दीजिए, वरना मुकुट के बदले मेजर साहब आपका सर फोड़ देंगे। जब सर ही नहीं रहेगा तो मुकुट कहाँ पहनोगे? ओ हुजूर। अच्छा, हो जा मेरी नजरों से दूर। गुरु, मुझे बचपन से ही ऐसे राजा जैसे ताज पहनने का बहुत शौक था, पहन लूं? अरे बांगड़ू, बचपन से तुझे पचपन शौक है रे। गुरु, एक बार पहनने दीजिए ना। नहीं भोले, तुझे पता है ना इस ताज का राज? जवान, क्या राज है इस ताज का? गुरु, वो तो सालों पहले की बात है, अभी थोड़े इस ताज में कोई जादुई पावर होगा। गुरु, पहनने दीजिए ना। ठीक है भोले, तू भी क्या याद रखेगा, चल जा जी ले अपनी जिंदगी। अरे भोले, ये क्या हो रहा है? गुरु, मुझे तो राजा जैसी फीलिंग आ रही है। ये हमारे खाने की टेबल पर पापड़ किसने सुखाए हैं? तुम्हारी ये जुर्रत! अरे भोले, ये क्या कर रहा है रे तू? जवान गुरु, कुछ करो वरना मेरा घर बचेगा ही नहीं। अरे मेरे भोले, अरे निकाल 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 दे ये ताज सर से। नहीं गुरु, उल्टा अब लगता है कि मैं सही पटरी पर हूँ, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। ये एमजे ने आपको बहुत परेशान किया है ना? अब देखिए मैं क्या करता हूँ। गुरु, इसका तुम कुछ करो वरना हमें भी दीवार में लटकना पड़ेगा। अरे भोले प्यारे। अरे आइए ना गुरु, बैठिए। अरे भोले, मेरे प्यारे भोले, ये ताज मुझे दे दे ले। गुरु, मैं आपको ये ताज देता हूँ, पर इस एमजे को आप बिना पानी के धो डालो, तभी मैं आपको ये ताज दूंगा। गुरु जवान, दिवाली की राह मत देखो, शुरू हो जाओ। मेजर, यू आर राइट। कम ऑन गुरु, हिट मी, हिट मी। तुम
मुझे मारो, मैं तुम्हें आजादी दिलवाऊंगा। क्राउन दिलवाऊंगा। है कैसे? तुम पहले करो डिशुम डिशुम, क्योंकि आज मैं नहीं करूंगा भिशुम भिशुम। ये डिशुम, ये बिशाप्स। अच्छा ये बात है। ओके, जैसा तुम कहो एमजे। ये ले। ओ हुजूर, आपकी कुंडली में ही मार खाना लिखा है। बुरा काम करने के लिए तो मार खाते ही हो, अच्छा काम करने के लिए भी मार खाना पड़ रहा है। ये ले। प्लान सक्सेसफुल, मिल गया क्राउन। अरे बांगड़ू भोले, तू कुछ बोलता क्यों नहीं रे? गुरु, ये सब मैंने क्या कर दिया? मुझे पता चल रहा था कि मैं गलत कर रहा हूँ, पर अंदर से कोई मुझे रोक रहा था। अरे भोले, इस ताज का पावर तुम्हारी अच्छाई को रोक रहा था। ये ताज हमेशा बुरा काम ही करता आया है। गुरु जवान, अब ये ताज संभाल कर रखो। भोले प्यारे, तू ठीक तो है ना रे? हाँ गुरु, एकदम ठीक। हाँ, अब ये ताज मैं अलमारी में रखता हूँ। हाँ, मेजर साहब, आप 5 मिनट रुको, हम लोग 2 दिन में आएंगे। हाँ? क्यों जवान? हमें जाना है गोल्डी भाई के पास। चलो भोले। मैं उस ताज को चुर रहा हूँ। नसीब पाया है आपने, सोए हुए लोग भी मार जाते हैं आपको। ओ हुजूर, हो जा मेरी नजरों से दूर। सो जा मेजर, सो जा। अब मैं बनूंगा पूरे सुल्ताल नगर का राजा। ऐसे ही मेरे मन को भाया, मैं वही कर दिखाया। देखो क्या हो रहा है,
मुझे मेजर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। पूरी दुनिया को इन्फॉर्म कर दो कि एमजे इज द किंग। बहुत मार खाया है हमने, क्यों नकसुरा? अब इन लोगों की बारी। देखिए अब सुरताल नगर मेरी मुट्ठी में है। अब एमजे के खौफ से तुम्हें सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है और वो है खुद एमजे। एमजे! मुझे पता था क्राउन चुराने का घटिया काम तुम ही कर सकते हो। टॉमी टैंक, गोलियों से उड़ा दो इसे। टॉमी, दुश्मन पर बॉम्बार्डिंग शुरू कर दो। मेजर, तुमने बहुत परेड करवाई है मुझसे, अब मैं भी परेड करवाऊं। चलो परेड करो, लेफ्ट से राइट, आगे से पीछे, ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे से कौन परेड करता है? यहाँ का मैं राजा हूँ, जैसे मैं कहूँगा वैसे ही सबको करना पड़ेगा। बोलो एमजे राजा की। नाजुक, जरा जोर से, हाथों में दम नहीं है क्या? मेजर साहब, अब सुरताल नगर को कौन बचाएगा? गुरु और भोले, बचाओ! हाँ, गुरु, यहाँ क्या सुनामी आई थी? अरे बांगड़ू, अगर सुनामी आई होती तो हम भी बह गए होते। हम भी तो सुल्तान नगर में ही थे ना। चल चल कर देखते हैं। हाँ? अरे भोले, ये सब क्या हो गया रे? सुल्तान नगर का ये हाल किसने बनाया रे? गुरु भोले। मेजर साहब, मेजर साहब, आपका ये हाल किसने किया? उस एमजे ने। मेजर साहब, हम सब समझ गए। एमजे, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। बोले, मेरी फिकर मत कर, छोड़ना मत उस एमजे को। ओ गुरु, नहीं, बोले मेरे बोले।
दिन तक दिन भितांग बाजे, गाए गुरु और भोले नाचे। ताज 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 पहने जो भी वही करे राज राज ताज ताज पहने जो भी वही करे राज राज हो बरसों पुरानी है ये कहानी एक था राजा विदाउट एनी रानी करता जाता था बस मनमानी प्यासे को ना ये पिलाता था पानी ताज 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 हाँ वेरी इवल हार्ट का था वो दे गया पावर क्राउन को था वो हाँ वेरी इवल हार्ट का था वो दे गया पावर क्राउन को था वो अब जो पहने कोई इसको माइंड उसका हो जाए किसको हो किसको हो किसको हो किसको 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 रोको इसको ताज ताज पहन जो भी वही करे राज राज ताज ताज पहन जो भी वही करे राज राज ताज ताज पहन जो भी वही करे राज राज ताज ताज पहन जो भी वही करे राज राज गुरु आप ठीक तो है ना अरे मेरे भोले प्यारे तेरे रहते मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता अरे क्या गुरु ये तो टीम वर्क है ना